Hello students, today we are here to do the back exercise for chapter number 4, Layers in Flash, for class 7. In previous video, we have completed the discussion on this chapter, in which we discussed what is Flash, how to make a file with Flash, aap pictures ko animate kaise kar sakte ho, to humne wo sara previous videos mein dekha tha. So now let's turn for back exercise. Firstly, tick the correct answer. Which menu has the convert to symbol option? हमने जो प्रैक्टिकल में देखा था बेटा, जब भी हम कोई लेयर लेते हैं, उस लेयर में चेंजेस करने के बाद उसको हम कन्वर्ट टू सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन किस मेन्यू में आता है? मॉडिफाई मेन्यू में. मॉडिफाई मेन्यू में विच ऑफ दीज कंटेन्स अ अनियन स्किन टूल, हमने लास्ट वीडियो में ही किया था. अनियन स्किन टूल जो है वो कहाँ से आता था? टाइमलाइन पैनल है जो बिल्कुल नीचे आता था बॉटम में, जिसके ऊपर वहां पे अनियन स्किल टूल का ऑप्शन था. इन विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लैश विंडो, जो हमने फ्लैश जब ओपन किया उस विंडो का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? हमने उसमें की फ्रेम देखे थे, हमने उनमें लेयर्स भी देखी थी, पर हमने स्लाइड उसमें नहीं देखी थी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा स्लाइड. Which of these indicates that a layer is active? इसमें से बेटा कौन सा आइकन आपको ये बताता है कि ये आपकी लेयर एक्टिव है? लॉक आइकन, तो वो लॉक को दिखाता है भी आपकी जो लेयर है लॉक है या अनलॉक है. आई आइकन, वो आपको शो हो रही है या हाइड हो रही है वो बताता होता है. एक्टिव आपको बताता है पेंसिल टूल, जहाँ पे पेंसिल का टूल आता है ताकि आप कुछ इसमें ड्रॉ कर सको, लिख सको या कुछ भी कर सको, तो पेंसिल टूल से हमें पता लगता है ये लेयर एक्टिव है. अगर पेंसिल टूल शो हो रहा है मींस लेयर इज एक्टिव, अगर पेंसिल नहीं शो हो रही मींस लेयर इज नॉट एक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फ्लैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्लैश में यूज होता है? चीज लेयर, डस्ट लेयर एंड मास्क लेयर. हमने चीज और डस्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, हमने मास्क लेयर पढ़ा था, तो इसीलिए मास्क लेयर फ्लैश का फीचर. नेक्स्ट बेटा फिलअप्स, फर्स्ट इज डैश आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ फ्लैश मूवी. फ्लैश मूवी जब बनती है जो उसके बेसिक यूनिट हैं वो क्या होते हैं बेटा? फ्रेम्स. फ्रेम्स के थ्रू ही आपकी जो मूवी है वो बनती है. बाय डिफॉल्ट अ फ्लैश डॉक्यूमेंट हैज अ डैश लेयर, जब हम फ्लैश का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कितनी लेयर्स आती हैं? तो सिंगल लेयर ही आती है, नई लेयर्स को हमें इंसर्ट करना पड़ता है. द शो और हाइड ऑल लेयर्स ऑप्शन इज इंडिकेटेड बाय ए एंड डैश, किस चीज से हमें पता लगता है कि आपकी लेयर शो है या हाइड है? आई आइकन, एक आई का सिंबल बना होता है वहां पे, उस आई के आइकन से पता लगता है आपकी जो लेयर है वो हाइड है या शो है. अ लेयर इज प्रेजेंट ऑन द डैश, लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? टाइमलाइन. टाइमलाइन में लेयर्स होती हैं, टाइमलाइन में ही फ्रेम्स होती हैं, टाइमलाइन में की फ्रेम्स हैं और टाइमलाइन में ही अनियन स्केल टूल होता है, बिल्कुल नीचे होता है आपके. द डैश लेयर एक्ट्स एज अ फ्रेम और अ होल थ्रू विच यू कैन सिलेक्टिवली शो और हाइड द कंटेंट ऑन अ लेयर बिहाइंड इट, वो कौन सा टूल है जिसमें जिसको यूज करके आप किसी कॉन्टेंट को भी उसके पीछे हाइड या शो कर सकते हो? तो उसका लेयर का नेम है मास्क. मास्क मतलब किसी भी चीज को उसके पीछे हाइड कर देना या फिर शो कर देना, तो मास्क लेयर हमने फ्लैश में यूज की थी. ट्रू फॉल्स, यू कैन नॉट कन्वर्ट एन इमेज इनटू अ सिंबल, क्या हम किसी इमेज को सिंबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते? फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज हमने ये स्टेप परफॉर्म किया था जब प्रैक्टिकल किया था, हम सिंबल को कन्वर्ट कर पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं. इन्होंने नॉट लिखा है, दैट मीन्स फॉल्स. The onion scale tool displays the outline of the image of surrounded frames. क्या onion scale tool से आपको outline दिखती है image में? False. Onion scale tool आपकी image को dim या faint करने के लिए use होता है, outline show नहीं करता. You press the F9 key to convert an object to symbol. किसी भी object को या image को symbol में convert करने की जो shortcut key है वो F9 होती है. That is false. शॉर्टकट की थी आपकी F8. ओनली वन लेयर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम, ट्रू, क्योंकि देखो फ्लैश बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर शो करता है, तो इट मींस
एक ही लेयर एक टाइम पे एक्टिव होती है, दैट इज ट्रू. द न्यू लेयर बटन इज प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल, दैट इज फॉल्स. जब लेयर्स आपकी टाइमलाइन में आती हैं, तो टाइमलाइन में जहां लेयर्स आती हैं, वहीं ऊपर प्लस का सिंबल होता है, जहां से आप न्यू लेयर एंटर कर सकते हो. तो प्रॉपर्टी में नहीं होता, दैट इज फॉल्स. नाउ बेटा क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपको. क्वेश्चन आंसर में क्या था, विद द हेल्प ऑफ लेयर यू कैन क्रिएट. लेयर्स का क्या मतलब है मूवी में, लेयर की हेल्प से आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हो, सीन्स क्रिएट कर सकते हो, आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो. यू कैन इजिली रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर्स. एक बार आपने लेयर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद आप लेयर्स को रीअरेंज कर सकते हो. जिसको आपने फर्स्ट पे रखना है फर्स्ट पे रखिए, जिसको सेकंड पे रखना है सेकंड पे रखिए. इन ऑर्डर टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे शुड अपीयर ऑन द स्टेज. अगर आप चाहते हो स्टेज में कौन से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पहले हो, आप लेयर को पहले पे रख दीजिए, बाकी को दूसरे पे एंड नेक्स्ट तीसरे पे, जितने भी आपने लेयर्स ली है. दोनों लेयर्स का मीनिंग पता होना चाहिए बेटा, इनमें डिफरेंस क्या है. लॉकिंग अ लेयर व्हेन यू डू नॉट वांट टू डू एनी फर्दर एडिटिंग और चेंजेस. मान लो आपने लेयर में जो काम करना था वो डन कर लिया, उसके बाद आपने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, तो आप उस लेयर को लॉक कर सकते हो. इट विल कीप द एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द लेयर इंटैक्ट. जो भी काम कर दिया उसको वो एज इट इज रखेगा, जैसे आपने उसको कर दिया था. यू कैन लॉक और अनलॉक ऑल द लेयर्स एट वंस और वन बाय वन. चाहे आप एक एक लेयर को लॉक कर दीजिए, चाहे आप सारी लेयर्स को लॉक कर दीजिए जब आपका काम डन हो गया, तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती. अगर आप लेयर को अनलॉक करोगे तभी उसमें चेंजेस हो सकती है. हाइडिंग का क्या मतलब होता है. सपोज यू वॉन्ट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर लेयर. मान लो किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे काम करना है आपको, बट द कंटेंट्स ऑफ द अदर लेयर आर डिस्टर्बिंग यू. बट आपको दूसरी लेयर के कंटेंट शो होते हैं, तो आपको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए आप उस लेयर को हाइड कर सकते हो, एक बार छुपा सकते हो. हाइडिंग लेयर टेम्पररी रिमूव द कंटेंट ऑफ द हिडन लेयर. टेम्पररी वो डाटा एक बार चला जाता है क्योंकि आपने हाइड कर दिया, जब आप इसको शो कर दोगे वो लेयर आपके पास आ जाएगी. आप सारी लेयर्स को भी हाइड कर सकते हो और वन बाय वन लेयर को भी हाइड कर सकते हो. वी नीड टू चेंज द, हम लेयर्स के ऑर्डर को क्यों चेंज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्यों चेंज करते हैं. एज अ लेयर मे कंटेन मल्टीपल इमेजेस विच कैन ओवरलैप विद ईच अदर. कहते क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि कई बार मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. इस सिचुएशन में जो इमेजेस हैं इन हायर लेयर्स अपीयर इन फ्रंट. जो ऊपर वाली लेयर्स में इमेजेस होती हैं वो फ्रंट पे शो होती हैं ऑब्जेक्ट के, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेयर्स बिलो दैम. जो उसके नीचे हैं उससे ऊपर वो उसको हायर जो होती हैं इमेजेस वो ऊपर फ्रंट में शो होने लग जाती है. इसीलिए लेयर्स का ऑर्डर चेंज करना पड़ता है. मास्किंग क्या होती है, मास्क टूल कैसे यूज होता है इसमें. मास्किंग इन फ्लैश इज ऑल्सो समवट सिमिलर टू रियल मास्क. जैसे रियल मास्क के पीछे फेस को कवर किया जा सकता है, उसी तरह फ्लैश में भी मास्क लेयर से आप किसी कंटेंट को या स्पेशल इफेक्ट को हाइड कर सकते हो. मास्क लेयर एक्ट एज अ फ्रेम और अ होल थ्रू विच यू कैन सिलेक्टिवली शो और हाइड द कंटेंट. मास्क से आप शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो लेयर के पीछे अगर कुछ आपको हाइड करना है. अनियन स्किन टूल किस लिए यूज हुआ था बेटा, ये आपकी इमेज को डिम या फेंट में शो करता है ऑफ प्रीवियस फ्रेम्स. Which help you in the placing the image in the current frame with reference to the previous frame. जिस frame पे आप खड़े हो उस frame में अपनी image को show करने के लिए onion skill tool with the reference of previous frame. Reference previous का हो पर current में आप अपनी image को show करना चाहते हो, उसके लिए onion skill tool use होता है, जो कि आपके timeline में ही होता है. तो ये आपके questions थे and back exercise आपको learn करनी है. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट हुआ, कंफ्यूजन हुई, यू कैन क्लियर इन योर लाइव क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.